बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं, हमारा जो है 10th वीक स्टार्ट हो गया है ऑपरेटिंग सिस्टम का, और हम जो है चैप्टर नंबर 10 डिस्कस कर रहे हैं। कल हमने जो है लेक्चर नंबर 1 डिस्कस किया था, उसके अंदर 3 टॉपिक्स थे हमारे। आज जो है हमारा लेक्चर नंबर 2 है, उसके अंदर देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं। चैप्टर नंबर 10 प्रोटेक्शन, लेक्चर नंबर 2 टॉपिक्स फॉर डिस्कशन कौन कौन से हैं जी, देखते हैं उसके अंदर एक्सेस मैट्रिक्स एंड इम्प्लीमेंटेशन, एक्सेस कंट्रोल और रिवोकेशन ऑफ एक्सेस राइट्स। तो ये 3 टॉपिक्स हैं, तो मूव करते हैं हम आज के। तो प्रोटेक्शन पढ़ रहे हैं, तो बेसिकली प्रोटेक्शन का जो कंसेप्ट है वो आपके माइंड में होना चाहिए कि प्रोटेक्शन किस तरह से की जाती है, और तमाम एप्लीकेशन जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं कंप्यूटर के अंदर, उन तमाम की जो प्रोटेक्शन है वो किस तरह से की जाती है। तो ये फंक्शन किसका होता है, बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम ही ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है। उसमें देखें जी, एक्सेस मैट्रिक्स व्यू प्रोटेक्शन एज मैट्रिक्स, यानी इसमें मैट्रिक्स बनाई जाएंगी, रोज होंगी रिप्रेजेंट डोमेन, रोज जो है किसको रिप्रेजेंट करेंगी डोमेन को, कॉलम किसको रिप्रेजेंट करेंगे ऑब्जेक्ट को, फिर इनके ऊपर सिक्योरिटी लगाई जाएगी। तो ये रोज और कॉलम का कंसेप्ट जो है ये मैट्रिक्स को जो है क्रिएट करता है। एक्सेस आई जो है और जे इज द सेट ऑफ ऑपरेशन, आई और जे ऑपरेशन है हमारे पास। तो देखें जी, यहाँ पर ये जो हमारे पास जो रोज हैं, रोज क्या है, डोमेन को रिप्रेजेंट कर रही है ये रोज, और जो कॉलम है हमारे पास, ये कॉलम है, ये हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट्स को क्या है रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखें जी, जी और आई और जे जो है हमारे ऑपरेशन है। डोमेन 1 के अंदर जो है कौन कौन से जी, रीड है और रीड, ओनली रीड। डोमेन 2 के अंदर प्रिंट का ऑपरेशन है, डोमेन 3 के अंदर रीड और एग्जीक्यूट किया, और डोमेन 4 के अंदर रीड राइट बोथ। तो ये एक मैट्रिक्स बनाई गई है जो है हमारे, प्रोटेक्शन दिखाई गई है एक्सेस मैट्रिक्स, जिसमें यानी ऑब्जेक्ट्स और जो डोमेन्स हैं उनका जो लिंक है वो दिखाया गया। यूज ऑफ एक्सेस मैट्रिक्स, इफ अ प्रोसेस इन डोमेन डी आई ट्राई टू डू ओपन ऑन ओ पी ऑन ऑब्जेक्ट ओ आई, देन ओ पी मस्ट बी इन एक्सेस मैट्रिक्स। तो वो उसके अंदर होना जरूरी है। यूजर हु क्रिएट ऑब्जेक्ट कैन डिफाइन एक्सेस कॉलम फॉर दैट ऑब्जेक्ट। तो ये देखें, कैन बी एक्सपेंडेड डायनेमिक प्रोटेक्शन, उसमें ऑनर ऑफ ओ आई कॉपी ऑफ फ्राम ओ आई टू ओ आई डिनोटेड बाई यानी स्टैटिक कंट्रोल डी आई कैन मोडिफाई। तो ये कुछ ऑपरेशन दिखाए गए हैं, वो ऑपरेशन और उनके जो है उनको जाहिर करने के लिए जो है नोटेशन दिखाई गई है। नेक्स्ट देखें जी, हमारे पास एक्सेस मैट्रिक्स डिजाइन सेपरेट मैकेनिज्म फ्रॉम पॉलिसी, उसमें कौन कौन से मैकेनिज्म है हमारे पास। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड एक्सेस मैट्रिक्स प्लस रूल्स, और पॉलिसी के अंदर यूजर डिक्टेट पॉलिसी। तो ये दो चीज़ें, यानी हमारे एक्सेस मैट्रिक्स मैकेनिज्म भी होगा और पॉलिसी भी होगी, फिर हम क्या है उसको एग्जीक्यूट करवाएंगे। बट डज नॉट सॉल्व जनरल कॉन्फिनमेंट प्रॉब्लम, एक्सेस मैट्रिक्स ऑफ फिगर विद ए डोमेन एज ऑब्जेक्ट। ये देखें जी, हमारे पास ऑब्जेक्ट भी आ गया, डोमेन भी आ गया, रीड राइट स्विच प्रिंट स्विच रीड एग्जीक्यूट रीड राइट स्विच। तो ये यानी लेजर प्रिंटर हमारे, उसके ऊपर जो है ये प्रिंट की कमांड जो है वो एग्जीक्यूट होगी। एक्सेस मैट्रिक्स विद कॉपीराइट्स क्या हैं जी, उसके अंदर देखें जी, एग्जीक्यूट डोमेन 1 दोनों के, तीनों के अंदर जो है एग्जीक्यूट है प्लस रीड भी है डोमेन 2 के अंदर और एग्जीक्यूट राइट। अब इसके जो है कॉपीराइट्स क्या हैं ये देखें जी, सेम यहाँ पर जो है रीड और ये रीड आ गया यहाँ पर, और यहाँ राइट और एग्जीक्यूट, यानी एक रीड की जो कमांड है वो उसने कॉपीराइट ले लिया है और वो क्या करेगा, इस डोमेन को एक्सेस करेगा। एक्सेस मैट्रिक्स विद ऑनर राइट्स क्या हैं कि ऑनर राइट्स के बगैर ये देखें जी, यहाँ पर हमारे पास ऑनर एग्जीक्यूट है, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और रीड ऑनर है और रीड ऑनर उसको राइट कर सकता है। यहाँ पर भी जी ऑनर रीड राइट का ऑप्शन दिया गया, ऑनर एग्जीक्यूट, तो यानी जो ऑनर होगा वो ही सिर्फ एग्जीक्यूट करेगा, जहाँ पर ऑनर रीड है वहाँ पर वो ऑनर रीड करेगा और कोई नहीं करेगा, और जहाँ पर ऑनर राइट है सिर्फ ऑनर ही उसको राइट करेगा। तो ये ऑनर राइट्स के साथ जो है एक्सेस मैट्रिक दिखाया गया है, जो सिर्फ राइट्स होंगे वो सिर्फ ऑनर के पास होंगे। मॉडिफाई एक्सेस मैट्रिक्स ऑफ फिगर बी, ये देखेंगे मॉडिफाई किया गया है फिगर बी को। तो देखें जी क्या किया उन्होंने, स्विच कंट्रोल लगा दिया, बाकी रीड राइट एग्जीक्यूट वैसे ही है। जनरली स्पेस मैट्रिक्स ऑप्शन 1 ग्लोबल टेबल स्टोर ऑर्डर, तो ये कुछ ऑपरेशन दिखाए गए, ये एल्गोरिदम है, तो इन एल्गोरिदम के जरिए ही वो जो हमारे पास डोमेन्स हैं वो एग्जीक्यूट करवाई गई हैं।
इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्सेस मैट्रिक्स देखें जी। ऑप्शन टू, एक्सेस लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ईच कॉलम इम्प्लीमेंटेशन एक्सेस लिस्ट रिजल्टिंग पर ऑब्जेक्ट कंसिस्ट ऑर्डर्ड पेयर डोमेन राइट सेट्स, तो राइट सेट्स होना ज़रूरी है, उसके अलावा आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो राइट्स जो हैं होंगे तो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ईच कॉलम एक्सेस कंट्रोल फॉर फन ऑब्जेक्ट डिफाइन हु कैन परफॉर्म व्हाट ऑपरेशन। डोमेन वन रीड राइट कर रहा है, डोमेन टू रीड, और डोमेन थ्री वो भी रीड ऑपरेशन कर रहा है। तो ये ज़रूरी है कि नो करना ज़रूरी है कि कौन सा जो है डोमेन कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है। ईच रो कैपेबिलिटी लिस्ट लाइक की फॉर ईच डोमेन व्हाट ऑपरेशन अलाउड ऑन व्हाट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट एफ वन रीड, ऑब्जेक्ट एफ फोर रीड राइट एग्जीक्यूट, ऑब्जेक्ट फाइव रीड राइट डिलीट कॉपी। तो ये ऑपरेशन है हर रो के। उसके बाद ऑप्शन थ्री, कैपेबिलिटी ऑफ लिस्ट डोमेन जो है, लिस्ट डोमेन की जो कैपेबिलिटी है वो कितनी है। कैपेबिलिटी लिस्ट है उसके अंदर देखें जी, डोमेन फॉर ऑब्जेक्ट टुगेदर विद ऑपरेशन अलाउ ऑन द ऑन देम एग्जीक्यूट ऑपरेशन एम ऑन ऑब्जेक्ट ओजे। कैपेबिलिटी लिस्ट डोमेन बट नेवर डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय डोमेन, डायरेक्टली एक्सेस कभी नहीं होगी। ऑप्शन फोर में जी, लॉक की, लॉक की जब हम लगा देंगे कहाँ, कंप्रोमाइज बिटवीन एक्सेस लिस्ट एंड कैपेबिलिटी लिस्ट, उनके दरमियान कंप्रोमाइज करवा के ईच ऑब्जेक्ट लिस्ट यूनिक पैटर्न कॉल्ड लॉक, ईच डोमेन लिस्ट यूनिक बिट पैटर्न कॉल्ड कीज, प्रोसेस इन डोमेन कैन ओनली एक्सेस ऑब्जेक्टिव डोमेन एज की मैच वन ऑफ द लॉक, यानी की जब लॉक के साथ मैच करेगी तब ही कोई ऑपरेशन जो है परफॉर्म होगा, डोमेन उसको एग्जीक्यूट करवाएगी। अगर वो की जो है उसके लॉक के साथ मैच नहीं करती तो वो ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। जैसे यूजर नेम पासवर्ड हमारा मैच करता है तो ही लॉगिन होता है। कंपैरिजन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन में देखें जी, मैनी ट्रेड्स ऑफ ऑप्स टू कंसीडर है, ग्लोबल टेबल सिंपल है, एक्सेस लिस्ट क्रॉस पॉन्ड है, कैपेबिलिटी लिस्ट है, लॉक की है। तो ये चार उनका कंपैरिजन करवाया गया है कि ग्लोबल टेबल के जरिए किस तरह से हम उसको ऑपरेट करेंगे, एक्सेस लिस्ट के जरिए, कैपेबिलिटी लिस्ट के जरिए और लॉक की के जरिए। तो ये उनका कंपैरिजन दिखाया गया इम्प्लीमेंटेशन का। तो चार तरह की जो है इम्प्लीमेंटेशन बताई गई यहाँ पे, ग्लोबल टेबल के जरिए, एक्सेस लिस्ट के जरिए, कैपेबिलिटी लिस्ट के जरिए और लॉक की के जरिए। मोस्ट सिस्टम यूज कम्बिनेशन ऑफ एक्सेस लिस्ट एंड कैपेबिलिटी, यानी कम्बिनेशन भी होता है कोई किसका, एक्सेस लिस्ट और कैपेबिलिटी लिस्ट का। फर्स्ट एक्सेस टू ऑब्जेक्ट एक्सेस लिस्ट सर्च इफ अलाउड कैपेबिलिटी क्रिएटेड एंड अटैच टू द प्रोसेस आफ्टर लास्ट एक्सेस कैपेबिलिटी डिस्ट्रॉय कंसीडर फाइल सिस्टम ए सी एल पर फाइल। यानी यहाँ कम्बिनेशन है, दोनों जब मिलकर काम कर रहे होते हैं, जब वो ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है तो उसके बाद उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। वेल, मूव करते हैं नेक्स्ट, रिवोकेशन ऑफ एक्सेस राइट्स। रिवोकेशन ऑफ एक्सेस राइट्स कौन कौन से होते हैं देखें जी। वेरियस ऑप्शन टू रिमूव द एक्सेस राइट ऑफ डोमेन टू एन ऑब्जेक्ट, यानी उसका जो एक्सेस होता है रिमूव कर दिया जाता है। उसमें देखें इमीडिएट वर्सेस डिलेड के जल्दी, और जो डिले होता है सिलेक्टिव वर्सेस जर्नल, पार्शियल वर्सेस टोटल, टेम्पररी वर्सेस परमानेंट। तो ये जो है एक्सेस राइट्स दिया जाता है। एक्सेस लिस्ट डिलीट एक्सेस राइट्स फ्रॉम एक्सेस लिस्ट सिंपल है, उसमें इमीडिएट है, पार्शियल है। तो देखें जी किस तरह से उसको रिवोक किया जाएगा। कैपेबिलिटी लिस्ट के अंदर सर्च रिक्वायर्ड लोकेट कैपेबिलिटी इन अ सिस्टम बिफोर कैपेबिलिटी कैन रिवोक, उसको जब रिवोक किया जाएगा। रीएक्विजिशन है, बैक पॉइंटर की, तीन ऑप्शन इसमें बताए गए हैं, इनके जरिए जो है उसको रिवोक करके जो है फर्दर जो है प्रोसेस किया जाएगा। ये देखें जी प्रोसेस है हमारे पास विद रूल वन प्रिविलेज, प्रिविलेज वन, प्रिविलेज टू, रूल वन, उसके जरिए जो है ये जो है एक ऑपरेशन परफॉर्म किया गया। प्रोटेक्शन कैन बी अप्लाइड टू नॉन फायर रिसोर्स, ओरेकल सोलारिस प्रोवाइड, यानी ये ओरेकल जो है डेटाबेस का सॉफ्टवेयर है उसकी एग्जांपल दी गई है। मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल एम मैक, ऑपरेटिंग सिस्टम ट्रेडिशनल डिस्क्रिशनली एक्सेस कंट्रोल लिमिट एक्सेस टू फाइल अदर ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल यूनिक्स फाइल परमिशन विंडो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट एस एल। तो इसमें यानी मैंडेटरी ज़रूरी होता है जो है वो हमारे पास जो सिक्योरिटी लगाई जाती है, प्रोटेक्शन लगाई जाती है वो ज़रूरी होता है। वो जब मैच करता है मैक हमारे पास तो वो तब जाके एक्सेस होगा। कैपेबिलिटी बेस्ड सिस्टम, उसमें देखें जी हाइड्रा एंड कैप वर फर्स्ट कैपेबिलिटी बेस्ड सिस्टम, उस
उसमें क्या किया गया, नाउ इंक्लूड इन लिनक्स एंड्रॉयड अदर बेस्ड ऑन पोस्टफिक्स एंड नेवर बिकेम अ स्टैंडर्ड। तो यानी नए जो सिस्टम है हमारे पास जो है शामिल हुए हैं इसके अंदर। एन इम्प्रूवमेंट ओवर रूट हैविंग ऑल प्रिविलेज बट इनफ्लेक्सिबल एडिंग न्यू प्रिविलेज डिफिकल्टी टी सी कैपेबिलिटी इन पोस्टफिक्स। ये है जी पोस्टफिक्स, हमारे पास सिक्योरिटी दिखाई गई है, ये एक स्ट्रक्चर दिखाया गया कैप नेट रॉ कैप शोन कैप स्टेट। तो ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट का ही हवाला दिया गया है यहाँ पर, ये एडमिनिस्ट्रेशन दी गई है, ये किल यहाँ पर रिवोक कर दिया जाएगा। अदर प्रोटेक्शन इम्प्रूवमेंट मेथड कौन कौन से हमारे पास, उसमें सिस्टम इंटीग्रिटी प्रोटेक्शन है, सिस्टम कॉल फिल्टरिंग है, उसके बाद हमारे पास सैंड बॉक्सिंग है, सैंड बॉक्सिंग का एक जो है ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा, रनिंग प्रोसेस इन लिमिटेड इन्वायरमेंट, लिमिटेड इन्वायरमेंट के अंदर जो है प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाया जाएगा। उसके बाद इम्पोज सेट ऑफ इरिमूवेबल रिस्ट्रिक्शन एट द स्टार्टअप। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये आपने जो है देख लेने। कोड साइनिंग अलाउ सिस्टम ट्रस्ट प्रोग्राम स्क्रिप्ट बाय यूजिंग क्रिप्टो हैश, यानी क्रिप्टोग्राफी की जाती है, उसमें क्रिप्टोग्राफी ये होता है कि हमारा जो ऑपरेशन या जो भी हम इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं उसको क्रिप्ट कर दिया जाता है, फिर इनक्रिप्ट किया जाता है, उसके कोड्स बना दिए जाते हैं। लैंग्वेज बेस्ड प्रोटेक्शन है, उसके अंदर स्पेसिफिकेशन ऑफ प्रोटेक्शन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको पता है कि हाई लेवल होती है लो लेवल होती है, उनकी बेसिस पे जो प्रोटेक्शन की जाती है। लैंग्वेज इंप्लीमेंटेशन कैन बी प्रोवाइड सॉफ्टवेयर फॉर प्रोटेक्शन इन फॉर्मेट्स व्हेन ऑटोमेटिक हार्डवेयर सपोर्ट चेकिंग अन अवेलेबल। इंटरप्रेट प्रोटेक्शन स्पेसिफिकेशन टू जनरेट कॉल व्हाट एवर प्रोटेक्शन सिस्टम प्रोवाइडेड बाय द हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोटेक्शन इन जावा देखें जी, प्रोटेक्शन इन हैंडल्ड बाई जावा वर्चुअल मशीन JVM, ए क्लास इज असाइंड टू प्रोटेक्शन व्हेन इट इज लोडेड बाई JVM। द प्रोटेक्शन डोमेन इंडिकेट व्हाट ऑपरेशन क्लास कैन एंड कैन नॉट परफॉर्म इफ लाइब्रेरी मेथड इनवोक द परफॉर्म प्रिविलेज ऑपरेशन। तो ये जावा के अंदर प्रोटेक्शन दिखाई जा रही है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये आपने देख लेने या डिस्कस कर लेने। उसके बाद देखें स्टैक इंस्पेक्शन, ये देखें अल्ट्रस्टेड है एप्लेट URL loader networking। तो ये उसके कुछ जो है क्लासेस दिखाई गई हैं, ये क्लासेस क्रिएट करके जो है प्रोटेक्शन लगाई जाती है। लेकिन नंबर टू हमारा यहाँ पर जो है दी एंड हो गया, प्रोटेक्शन के हवाले से था। तो ये जो है ज़्यादातर जो है प्रैक्टिकली है, प्रैक्टिकल जब किया जाएगा तभी ये आपको जो है अच्छी तरह से अंडरस्टैंड होगा। तो देखें जी फर्दर कोई क्वेश्चन है तो आप आस्क कर सकते हैं। लेक्चर नंबर टू हमारा जो है दी एंड हो गया, तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।